लंबे समय से मन के भीतर ये चाह रही कि कोई एक महीना तो ऐसा निकले जहां हम अनुशासन के साथ व्यायाम की प्रक्रियाओं को पूरा कर पाएं, खुद को पूजा पाठ के साथ में पूर्णतया जोड़ पाएं, धार्मिक स्थानों की यात्रा की ओर जा पाएं, घर परिवार के साथ बेहतर समय बिता पाएं और कामकाज में भी एकाग्रता के साथ में बहुत कुछ कर पाएं। शुरुआत मिल नहीं पा रही थी, जद्दोजहद के साथ मन कुंठाओं से ग्रसित था कि हम न मी टाइम निकाल पा रहे हैं, न ही एकांत में कुछ समय बिताकर स्वयं के भीतर की अवस्थाओं के आनंद को प्राप्त कर पा रहे हैं। परंतु कन्या राशि के महानुभावों के लिए जून 2024 में बुध की स्थितियों को देखते हुए, देव गुरु बृहस्पति के प्रभाव को देखते हुए और साथ ही साथ शनिदेव की व्यवस्थाओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आपकी संकल्प शक्ति का बोध किसी भी तरीके के विकल्प की ओर आपको नकारात्मक भाव के साथ लेकर जाने वाला नहीं होता। स्थिरता के साथ में व्यवस्थित होते हुए अपनी जीवन यात्रा को प्रभावी क्रम देते चले जाना, ये मूलभूत प्रवृत्ति आपके साथ बड़ी ही गहराई के साथ में इस महीने बनी हुई है। जून 2024 का मासिक राशिफल कन्या राशि के महानुभावों के लिए, जैसा कि हमने आपके समक्ष चर्चा रखी कि प्रथम भाव के अधिपति जो बुध हैं, महीने के मध्यान्ह से ही यानी कि जून के आधे स्तर के साथ में ही यहाँ दशम भावस्थ प्रवेश कर जाएंगे, स्वराशि स्थान के साथ में होंगे। मन के भीतर की जो स्थिरगामिता होनी चाहिए, जो खुद को मैनेज करने की ताकत होनी चाहिए, मैनेज करने की ताकत में खुद को कई बार डिटैच भी करना होता है, किंतु उस अवस्था को भी लेकर चल रहे हैं। मित्रों के साथ में मुलाकात 2 घंटे की निर्धारित हुई, वो 5 घंटे तक चलती रही, तो वहीं स्वयं को रोकने की आवश्यकता है कि नहीं, तय किया था 2 घंटे, हम पार्क में घूमने गए और कोई व्यक्ति विशेष मिलने लग गया, तो उसे कहा कि बाद में मिलते हैं, अभी शारीरिक व्यवस्थाओं को सही करने का समय है। ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ में डिस्कशन होने लगी और वहीं खुद को रोका और कहा कि नहीं, ये मेरा कार्य नहीं है, मेरा कार्य एकाग्रता के साथ में कुछ और डिलीवर करने का है। ऐसी जो व्यवस्थाएं भीतर से पनप कर आती है वो इस महीने आपके साथ में बनी हुई है, जो आपकी यात्रा को काफ़ी हद तक बेहतरी के संकेत देती चली जा रही है। रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर चलता हुआ ये प्रभावी क्रम आपके साथ अत्यंत शानदार है। तो वहीं मैनेजमेंट की किसी भी बड़ी डेजिग्नेशन की ओर आपका जाना हो रहा है, तब भी इस समय की प्रभावी अवस्थाएं आपके साथ में बनी रहने वाली होंगी, कोई भी नकारात्मकता भरे भाव आपके साथ में नहीं है। यहाँ जो आप स्वयं को बिजनेस के प्रोस्पेक्ट के साथ किसी और नई डिलीवरेंस के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, किसी और नए पर्पसफुल बेस के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, ये यात्रा वहाँ पर भी आपके लिए सुखद स्थितियों का निर्माण क्रम बनाती चली जा रही है, जिसमें कोई भी और चिंता के साथ में आप चलने वाले नहीं होंगे। कुल जमा जोड़ इस महीने की शुरुआत ऊर्जावान क्रम में है, बस अपने भीतर की जल्दबाजी को हटाकर आप चलने का प्रयत्न करें, क्योंकि केतु मध्यान प्राप्त कर रहे हैं कन्या राशि स्थान में। चर्चा करते हैं द्वितीय भाव की, इसे हम धन भाव, द्रव्येश, वाणी और कुटुंब भाव के साथ में जानते हैं, ये भाव स्वतंत्र है। द्वितीय भाव के अधिपति का जो एक तरह से यहाँ यात्रा क्रम चलने वाला होगा, पहले भाग्य के साथ स्वराशि स्थान पर, उसके बाद में चलने वाला होगा दशम भाव में लक्ष्मी नारायण योग के साथ, परंतु शुक्र अभी भी सूर्यदेव के आवरणीय प्रभाव क्षेत्र में रहने की वजह से अस्तगत व्यवस्थाओं को निर्मित करके निरंतर तौर पर गतिमान है। तो इसी वजह से शुरुआती तौर पर जो वाणी के सारगर्भित क्रम होते हैं उसमें थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। दूसरी अवस्थाओं में ये बात भी गौर करके चलें कि आपको यहाँ ओवर एक्साइटेड होकर किसी भी तरीके के कमिटमेंट की ओर खुद को लेकर चलने से बचना है। परंतु जहाँ तक धनागमन की बात रही, वहाँ भाग्य का सहयोग भी आपके साथ है, ये यात्रा निरंतरता के अनुगामी पथ को आपके समक्ष रखती चली जा रही है। और जब नवम पंचम की स्थितियाँ यहाँ पर चलायमान रहने वाली होगी, तो इस बात के साथ में पूर्णतया गौर करके चलिएगा कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ भी प्राप्त हो सकती है। पारिवारिक जनों के साथ में जो शुरुआती तौर पर संघर्षों की स्थितियाँ है वो हटती चली जाएंगी, आप यहाँ क्रमबद्ध सिरे के साथ में अपनी यात्रा को अक्षुण एकाग्रता देते चले जाएंगे। वहीं मंगल के दृष्टि संबंध का आधार जो द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ जुड़ा हुआ है, बारम्बार इस बात को स्मृतियों में रखा जाए कि आप यहाँ पारिवारिक पक्ष के साथ
उलझन को रखने से बचें। शांत चित्त रहने की आवश्यकता है। किसी संबंध में अधिकार है, हाँ बिल्कुल है, परंतु उस अधिकार की परिभाषा अब परिवर्तित हो चुकी है, उसको भी समझने का प्रयत्न करना आपके लिए आवश्यक है। तो वहीं धनागमन तो है, परंतु खर्चों की आकस्मिक स्थितियां आ सकती है, उससे प्रोएक्टिव कंसर्न्स के साथ में खुद को कितना स्टेबलाइज करके चलते हैं ये भी याद रखने की जरूरत आपके लिए रहेगी। पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो गौर कीजिएगा कि देव गुरु बृहस्पति शनिदेव का दृष्टि संबंध, साथ ही साथ में मंगल का दृष्टि संबंध अपने राशि भाव के साथ में जुड़ा रहने वाला होगा। शुरुआती तौर पर सूर्यदेव भी सातवीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखने वाले होंगे। ये स्पष्टता भरे संकेत हैं कि लंबे समय से आप कामकाजी जीवन में नवीन सक्रियता को उजागर करके चलने का जो प्रयत्न कर रहे थे, उसमें आपके लिए व्यवस्थाएं एक अलग क्रम को निर्मित करती चली जाती है। आप यहाँ अपने पुरुषार्थ की परिभाषाओं को नवीनता के साथ में गढ़ते हुए काफी हद तक आगे बढ़ने वाले होंगे। ये प्रभावी अवस्था अपने साथ में निर्मित करके रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपके साथ में भाग्य और पुरुषार्थ का पूरा पूरा सहयोगी क्रम जो है वो बना हुआ है, और जीवन यात्रा कहीं पर भी नकारात्मकता के भाव संप्रेषित करने वाली नहीं होती है। यहाँ यात्राओं से संबंधित कार्यों में, जीवन के साथ में जुड़ी हुई आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में आप अपनी तीव्रगामिता की उपस्थिति दर्ज करवाते हुए निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसमें कोई भी दोराय नहीं है। याद रखिएगा कि जो महानुभाव यहाँ IT फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं और मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, उत्तरोत्तर प्रगति के केंद्र बिंदु आपके साथ में है। पूरी पूरी यात्रा के साथ में आप खुद को एक अलग स्तर के साथ में लेकर चलने वाले होंगे, और उसी अवस्था एवं व्यवस्था की वजह से यह समय आपको नाम के अद्भुत सिरे सौंपता चला जा रहा है। ये स्पष्टता भरे संकेत अपने समक्ष जरूर बनाकर आप रखिएगा। चतुर्थ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो ये गौर करने वाले आप रहें कि जो देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव का आधिपत्य लेकर शुक्र राशि स्थान में रहेंगे, शुरुआती तौर पर सूर्य के साथ रहेंगे, शुक्र बुध के साथ में भी इनकी युति संगत स्थितियां बनी रहने वाली होगी। स्पष्टता है कि रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में आपको अद्भुत संकेत प्राप्त हो रहे हैं। मानसिक सुख के साथ में निरंतर तौर पर वृद्धि के प्रतिबिंब आपके साथ में रहने वाले होंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं अब धीरे धीरे दूर हटती चली जा रही है। ये प्रभावी अवस्था भी आप अपने साथ में निर्मित करके रखिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में अटमोस्ट बेटरमेंट के प्रॉस्पेक्ट्स आपके साथ में है। जो भी महानुभावों ने यहाँ कोई चेंज किया है और कम्फर्ट जोन नहीं आ पा रहा था, आपकी प्रोबेशन के अप्रोच के बाद में जो कन्फर्मेशन का लेटर होता है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा था, कोई भी ऐसी अवस्थाएं बनी हुई थी जो अभी तक आपके लिए थोड़े से अंधियारे के आधार को रखे हुए हैं, तो वहां से भी ये यात्रा अब आपके लिए एक पक्षीय अनुकूलता बनाती चली जाती है, जहां से जीवन स्पष्ट तौर पर बेहतरी के संकेतों को प्राप्त करता चला जाएगा। पंचम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो षष्ठ भाव के साथ में यहां पर शनिदेव की स्थितियां रहने वाली होगी। इसी वजह से स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में अभी भी थोड़ा सा धीमापन लेकर चलने का प्रयत्न करें। हालांकि देव गुरु बृहस्पति अपने नीचस्थ राशि स्थान को, अपने कारक भाव को देख रहे हैं, इसलिए रोटेशन के अप्रोच के साथ में आपके लिए पॉजिटिविटी के बेसिस बने रहने वाले हो सकते हैं। ये स्पष्टता रखें, इस बात को भी बारम्बार स्मृतियों में रख कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि एजुकेशन को रिलेट करते हुए फ्रेम में जो विदेश संबंधी अवस्थाएं होती है, क्योंकि पंचमेश शनिदेव षष्ठ भाव में है, अष्टम और द्वादश को देख रहे हैं, इसी वजह से ऐसी अवस्थाओं के साथ में जो निर्णय घर परिवार के लिए, संतान पक्ष के लिए लेना है, उसमें आप बेहद शानदार व्यवस्थाओं को प्राप्त कर रहे हैं। ये भी बात स्मृतियों में रख कर चलिएगा कि आपके साथ संबंधों में कहीं ना कहीं यहाँ दुराव के संकेत निकल कर आ सकते हैं, उनसे खुद को काफी हद तक स्थिर करके रखने की जरूरत रहेगी। किसी रिलेशन के साथ वर्षों तक चले हैं, छोटी सी गलतफहमी आती है और लगने लगता है कि कहीं पहुंचने वाले नहीं होंगे, ऐसी व्यवस्थाओं से स्वयं को संभालने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। ये भाव अपने भीतर तक संप्रेषित करके रखने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद जरूरी है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए बेहतरी, तो वहीं संतान पक्ष के साथ वैचारिक गतिरोध की स्थितियाँ अब धीरे धीरे हटती चली जा रही है। षष्ठ भाव की चर्चा करते हैं तो स्वास्थ्य में घुटनों से और साथ ही साथ जो जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है उससे पूर्णतया संभलें,
उसमें भी यदि आपको आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम लंबे समय से रही है तो वहाँ पूरा पूरा ख्याल स्वयं का रखना, ये आवश्यक प्रभावी प्रतिबिंब अपने साथ में बनाकर आप जरूर रखिएगा। और वहीं पर शत्रुपक्ष यहाँ हावी नहीं है, ये अत्यंत सकारात्मक अवस्था आपके समक्ष निर्मित है, परंतु किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन आप अपने साथ बढ़ाने से बचते हैं तो उसे अत्यधिक सुखद अवस्था के प्रतिबिंब के स्वरूप में आपके लिए कहा जाएगा। ये प्रभावी अवस्था भी निर्मित करके आप जरूर रखिएगा। वहीं सप्तम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन में यहाँ स्थिर कामिता बनी हुई है, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति अपने भाव से 3-11 का संबंध बना रहे हैं। इस भाव के कारकाधिपति 3-11 और 4-10 का संबंध बनाने वाले होंगे। आप संशय की अवस्थाओं को हटाकर अपने व्यापारिक जीवन में जो निर्णय ले चुके हैं वहाँ बढ़ते चले जाइएगा। केमिकल संबंधी कामकाज में बेहतरी है, रेस्टोरेंट संबंधी कार्य, फाइनेंस संबंधी कामकाज, मैनेजमेंट संबंधी कामकाज, कोई भी ऐसा कार्य जो कि इनोवेशन के साथ में जुड़ा होता है, टेक्नोलॉजी की वाइब्रेशंस को साथ में लेकर आपके लिए एक अलग अप्रोच देने वाला होता है, वो समय अत्यंत प्रभावी क्रम के साथ आपके लिए गतिमान है, जहां से नव ऊष्मा को प्राप्त करके आप लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो ये समय है उसके साथ में आपको गृहस्थ पक्ष के साथ में भी जीवन की नवीन संभावनाएं प्राप्त होने वाली रहेंगी, ये बात आप स्मृतियों में स्पष्ट रखकर चलिएगा। हालांकि यहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप में संभलने की जरूरत आपके लिए है। गृहस्थ पक्ष के साथ में कोई भी कार्य की शुरुआत हो चुकी है, सुनना भी है, समझना भी है और उसके बाद में आगे बढ़ते चले जाना है, ये स्पष्टता रखें। हालांकि जो गृहस्थ पक्ष है उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं आपके समक्ष यहाँ इस महीने के दूसरे पखवाड़े में आ सकती है। अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो विदेश संबंधी कार्यों में जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आउटसोर्सिंग को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट में आप अपने कामकाज को देखते हैं, अत्यंत ऊर्जावान पक्ष आपके साथ में बना रहेगा। मन के भीतर की चिंताएं पूर्णतया हटकर आपको यहाँ समूल स्तर के ऊपर सकारात्मकता के पक्ष के साथ में लेकर चलने वाली होगी। इंटेंस रिसर्च के अप्रोच के साथ में कोई भी अप्रोच चलती है तो वहाँ पर भी आप अपनी जर्नी को इवॉल्विंग पर्पस के साथ में लेकर चल सकते हैं। इस एक बात को बारंबार अपने साथ में उजागर करके चलने का प्रयत्न करें कि हम कहीं रुकने वाले नहीं होंगे, हम किसी ठहराव के साथ नहीं होंगे, परंतु वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतकर आगे की ओर गतिमान होने वाले रहेंगे। कुल जमाजोड़ अष्टमेश यहाँ पर आपकी ताकत की धुरी बना हुआ है और धैर्य इसी अवस्था क्रम के साथ में बढ़ता चला जा रहा है। नवम भाव की चर्चा करते हैं तो आपके लिए हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स रहने वाले होंगे। ये वो समय क्रम है जहां पर आध्यात्मिक पक्ष में तीव्रगामिता आपके समक्ष निरंतर उपस्थिति दर्ज करवाती चली जा रही है। इस समय के प्रभावी क्रम के साथ में चलायमान रहते हुए आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि स्पष्टतया आप अपने लिए यहाँ पर भाग्य के सहयोग से बड़े निर्णय लेने वाले हो सकते हैं। जो आपने मंथन कर लिया, शुरुआती 14 से 15 दिन मंथन के, उसके बाद में परिणामों की स्पष्टता आपके समक्ष रहने वाली होगी। तो वहीं पर जो ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होकर आप चल रहे थे उससे भी हटकर ये यात्रा आपको नव क्रम प्रस्थापित करके देती चली जा रही है। दशम भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि इच्छा शक्ति, वहीं पर स्मार्ट वर्किंग अप्रोच और साथ ही साथ में दृढ़ता के साथ में अपनी बात को रखने की ताकत रखना और निरंतरता बनाकर रखना। जब व्यक्ति के साथ में स्मार्ट वर्किंग अप्रोच हो, वो कामकाज को समझ चुका हो, टीम को हैंडल कर चुका हो और लोगों को लग रहा हो कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा कार्य कर जाएगा, वहां आवश्यकता होती है तो अपनी निरंतरता को बनाकर रखने की, बस यही प्रभावी क्रम अपने साथ में आप उजागर करके चलते चले जाइएगा और वहीं से जीवन की स्पष्टता की अलग धारा आपके समक्ष रहने वाली होगी। वहीं जॉब से बिजनेस की तरफ शिफ्ट किया है, ये सोचने की बारंबार आवश्यकता नहीं है कि गलत किया है या सही किया है। आपके साथ में लंबे समय से कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आ पा रहा था, अब संकेत मिलते हैं तो उसको हम थामेंगे और निरंतर उस ओर चलने वाले भी होंगे, अपने बहाव को उसी तरफ लेकर हम गतिमान होंगे। ये प्रभावी क्रम अपने साथ आप जरूर रखें। लाभ भाव के लिए हम चर्चा करते हैं तो लाभ के सिरों के साथ में अत्यंत वृद्धि है, वहीं पर आपके साथ में ठहराव की गतिविधियां भी निरंतर तौर पर बनी रहे तो ज्यादा बेहतर। पुनश्चय निवेदन, केमिकल संबंधी कामकाज में और कहीं ना कहीं ऐसे कार्य जो कि सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ते हैं और आपके लिए चलायमान होते हैं, अत्यंत बेहतर व्यवस्थाएं रहेंगी। द्वादश भाव की चर्चा करते हैं
शुरुआत में द्वादशेश का भाग्य भाव और उसके बाद कर्म भाव में होना, 3-11 और 4-10 के संबंध को बनाना, यहाँ पर व्यय में भी आपकी कर्मशीलता को दर्शाता है। आप खर्च कर रहे हैं अपने कर्म की गणनाओं के बाद में, ये अवस्थाएं आपके साथ में सार गर्भित तौर पर चल रही हैं। विदेश संबंधी क्रम में शिक्षा संबंधी आधार अत्यंत बेहतर रहने वाले होंगे। शनिदेव की सातवीं दृष्टि जो द्वादश भाव पर है, अपने आदर्श शत्रु राशि स्थान पर यानी पिता राशि स्थान पर है, तो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में भी आप काफी हद तक खुद के लिए यहाँ सहूलियत प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में बहुत अधिक खर्चों के साथ चलने से आप बचिएगा। तो ये था कन्या राशि के महानुभावों के लिए जून 2024 का मासिक राशिफल। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।